हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ इंडोर प्लांट शेयर करूंगी, जिसे कि अभी आप इस टाइम अपने घर में लगा सकते हैं। अभी गर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे घर के अंदर के एनवायरनमेंट को, हवा को शुद्ध रखने के साथ साथ हम थोड़ी सी ठंडक भी प्रोवाइड करना चाहते हैं और लगाते हैं कुछ पौधे जो कि इंडोर काफ़ी ईजिली चल जाए। और ये इंडोर पौधे सिर्फ हमारे घर की हवा को शुद्ध ना करे, हमारे घर को काफ़ी ज़्यादा कूल और फ्रेश भी बना के रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से पौधे को हम अपने घर के अंदर लगा के रख सकते हैं, जिससे हमारे घर की अंदर की हवा शुद्ध होगी, साथ में हरियाली भी प्रोवाइड करेगी और हमारे घर के अंदर की एरिया को ठंडक भी देगी, यानी आँखों को सुकून भी देगी, ठंडक भी देगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इनमें से फिर सबसे पहला जो पौधा है वो है डिफेनबाकिया का पौधा। आप देख सकते हैं डिफेनबाकिया एक बड़ी पत्तियों वाला पौधा होता है। इसे अगर और थोड़े बड़े गमले में लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ और भी बड़ी बड़ी हो जाती है। मैंने क्योंकि 6 इंच के गमले में ही लगा के रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियाँ बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन इंडोर काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। मैंने इसे इस टेरेस एरिया में रखा है, यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहती है। तो ऐसी जगह जहाँ पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहती हो, आप इस पौधे को रख सकते हैं। इसकी जो ये टहनी देख रहे हैं, ये जो टना देख रहे हैं, इसमें ढेर सारे नोड होते हैं। जब आपको नया पौधा तैयार करना हो या फिर ये पौधा थोड़ा लंबा हो जाए, तो यहाँ से इसे कट करिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप लगा सकते हैं, बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कितने ही सारे पौधे मैंने बनाए थे, जिसे मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, रिपोर्ट करना है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके जो जड़ों के पास से बहुत सारे पौधे भी निकलते रहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसे भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। बिना धूप में पूरे दिन की ब्राइट लाइट, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, तब ये पौधा अच्छी तरीके से चलता है। ये मेरे कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है। इसके जो मदर प्लांट है वो मेरे टेरेस पर रखा हुआ है, जो कि टेरेस पर मेरे शेड बना हुआ है, उसके नीचे मैंने रख रखा है। और इस प्लांट को भी आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और घर के अंदर की हवा को शुद्ध और घर को ठंडा बनाए रखने के लिए इस पौधे को लगा सकते हैं। इसको ऐसी जगह ही रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो या फिर बाहर से हल्की फुल्की छनके धूप आती हो, ऐसी जगह रखिए या फिर खिड़की के पास जहाँ एरेशन अच्छा हो। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स फाइलोडेंड्रॉन का। फाइलोडेंड्रॉन में बहुत सारी वैरायटी आती है। मेरे पास ये बड़ी पत्तियों वाली जो फाइलोडेंड्रॉन होती है, ये वाली है। इसमें छोटी पत्तियों वाली भी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उसमें पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पत्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बड़ी पत्तियाँ हैं, तो कुछ कम ही पत्तियाँ होती है और बिल्कुल एक मनी प्लांट की तरह ऊपर की तरफ टहनी इसकी लंबी होती जाती है, ग्रो होती रहती है। इसकी टहनी में भी काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, मॉस स्टिक के सहारे हमें ग्रो करना पड़ता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। ये भी बिना धूप में बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, बशर्ते कि अच्छी ब्राइट लाइट और अच्छा एरेशन होना चाहिए। फाइलोडेंड्रॉन में ही फ्रेंड्स ये एक वैरायटी है जो कि है लाइम लेमन फाइलोडेंड्रॉन। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। इसका पीला पीला कलर जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसे भी आप मॉस स्टिक के सहारे ग्रो करिए। ये पौधा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर हमारे इंडोर गार्डन को प्रोवाइड करता है, एक शूदिंग सा कलर होता है, जो आई कैचिंग सा कलर है, काफ़ी सुंदर लगता है। और इसके भी स्टेम में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से रूट्स होते हैं, जिससे कि आप इसे बहुत सारे पौधे इसे कट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट मेरे गार्डन में बहुत सारे बने हुए हैं, मैंने कुछ अपने स्टेरेस एरिया में भी रखे हैं, कुछ मैंने अपने टेरेस में भी रखे हैं। तो स्पाइडर प्लांट को भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड करिए। बिना धूप के चलने वाला पौधा है, इसे धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ इसे धूप लगती है वहाँ इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती है। तो बिना धूप में चलने के लिए आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इस पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट और अच्छा एरेशन हो, तो ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है, एकदम अंधेरी जगह पे ना रखें। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये स्नेक प्लांट। आप देख सकते हैं स्नेक प्लांट में टॉल वैरायटी हो या शॉर्ट वैरायटी हो, इसे आप इंडोर रख सकते हैं। इसे थोड़ी कम रोशनी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस पूरी दिन की एकदम से ब्राइट लाइट ना भी हो रहे तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, लेकिन ब्राइट लाइट में रखेंगे, यानी अच्छी एरेशन हो, अच्छा ब्राइट लाइट हो, ऐसी जगह रखेंगे तो इसमें बेबी प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं, उससे आपके पास बहुत सारे पौधे कम समय में बन जाएंगे। तो स्नेक प्लांट को भी आप घर के अंदर रखिए। ये छोटी वाली वैरायटी तो छोटे छोटे
पॉट में लगा के, खूबसूरत पॉट में लगा के आप टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पे देखें अगला पौधा है फ्रेंड्स, ये जोनाडो का। जोनाडो को प्लांट भी इंडोर काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है, लेकिन इस पौधे को हल्की फुल्की धूप चाहिए होती है, इसीलिए मैंने अपनी स्टेज से देख इस कॉर्नर में रखा है जहाँ पर हल्की सी धूप छन के यहाँ पर आती है। तो जोनाडो को प्लांट को आप लगा सकते हैं, लेकिन एकदम से शेड में ना रखें। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स पाम की वेराइटी। यहाँ पे ये लेडी पाम है, मेरे नीचे वाले स्टेयर्स में अरेका पाम भी रखा हुआ है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं इस समर सीज़न। अपने घर को ठंडा बनाए रखने के लिए, कूल बनाए के रखने के लिए आप अरेका पाम को अपने घर में ज़रूर ऐड करिए। घर के अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा बनाए रखता है, क्योंकि ये बिना धूप में अच्छी ब्राइट लाइट में चल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप सिंगोनियम के प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, अपने इंडोर गार्डन में ऐड करिए, अपने घर के किसी भी कॉर्नर में आप लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसीलिए इस पौधे को ज़रूर ही ऐड करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इस टाइम आपको नर्सरी में पीस लिली के पौधे काफ़ी दिखने को मिलेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग के साथ आपको ये पौधा दिखेगा। थोड़ा कॉस्टली आता है ये पौधा, लेकिन ये घर के अंदर के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। घर के अंदर दिखने में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती देता है, साथ ही साथ इसमें छाँव में भी फूल खिलते हैं, तो ये पौधा बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अगर प्राइस का कोई इशू नहीं हो तो इस पौधे को आप ले सकते हैं अपने घर के अंदर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। इसे भी ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट हो और अच्छा एरेशन हो, तो इसमें फूल काफ़ी अच्छी तरीके से आएंगे, अदरवाइज इसमें फोलियज रहेंगे, फूल नहीं आएंगे अगर एकदम से आप अंधेरी जगह में रखेंगे। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेसिना। ड्रेसिना में बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो जिसे कि आप एकदम इंडोर रख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटी भी है जिसको आप एकदम शेड में नहीं रख सकते हैं, हल्की फुल्की धूप की ज़रूरत पड़ती है। बट ये ग्रीन वाली जो है ये काफ़ी हार्डी है, इसे आप इंडोर रख सकते हैं। अगला पौधा फ्रेंड्स सेफलेरा, इसे भी आप अपने इंडोर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इन पौधों को अपने घर के अंदर टेरेस पर जहाँ मैंने शेड डलवाया है वहीं पर रखा है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। सेफलेरा भी घर के अंदर की हवा को काफ़ी ज़्यादा शुद्ध करता है, खूबसूरती भी देता है। इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं कुछ छत्ते जैसी होती है, इसीलिए दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे स्पाइडर प्लांट काफ़ी सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ धूप नहीं आती है लेकिन प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। अगला पौधा फ्रेंड्स चाइनीज़ एवरग्रीन का है, इसे भी आप अपने इंडोर रख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये पौधा भी अपने इंडोर घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं मैंने भी रख रखा है और एक बेबी प्लांट भी निकल आया है, तो थोड़ी हल्की फुल्की छन के धूप आए ऐसी जगह रखिए तो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनी प्लांट। मनी प्लांट में को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। मनी प्लांट में जो ये देसी वाली वैरायटी है ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चलेंगे बिना धूप में, लेकिन ये जो अलग सा जो और वैरायटी आती है जैसे कि मार्बल क्वीन मनी प्लांट है, फिर गोल्डन मनी प्लांट है, इसको हल्की फुल्की छन के धूप आए ऐसी जगह रखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता है। अगला फ्रेंड्स रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, थोड़ी सी बड़ी पत्तियों वाला होता है, जिसे कि आप घर के अंदर को खूबसूरती देने के लिए लगा सकते हैं। बट इसे आप लगाइए ऐसी जगह जहाँ पे हल्की फुल्की धूप पड़े इस पर, तो फिर ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसके बाद फ्रेंड्स घर के अंदर लगाने के लिए आप जीजी प्लांट को लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा पौधा है जो कि शेड में काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है, घर के अंदर की खूबसूरती को इन्हांस भी करता है, छोटे छोटे पॉट में भी लग जाता है क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, इसलिए बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे बहुत छोटे पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं और बहुत कम सनलाइट में ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चल भी जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लगा रखा है हवर्थिया का पौधा। हवर्थिया का पौधा भी कम सनलाइट में बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, इस पौधे को भी धूप की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जहाँ धूप पड़ रही थी यहाँ पे हल्की फुल्की, तो ये पौधे की जो एचेस हैं वो सूखने लग गए थे, तो इस पौधे को धूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आसानी से चल जाता है ये शेड में जहाँ की ब्राइट लाइट रहती हो। पूरे दिन की ब्राइट लाइट में फ्रेंड्स आप पॉनीटेल पाम को भी लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरती देता है, लेकिन जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तब आप इसे घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, लेकिन जैसे ये पौधा छोटा रहे तो आप इस पौधे को घर के अंदर रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये है क्रोसेंड्रा का पौधा। इसे भी आप घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसे हल्की फुल्की धूप चाहिए, एक आध घंटे की अगर धूप दे ऐसी जगह रख सके तो आप इसे भी घर के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे हैं जिसे कि हम घर के अंदर रख के इस गर्मी हमारे घर के अंदर की हवा को ठंडा और घर को कूल बना के रख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमारा घर दिखेगा भी और ठंडा भी रहेगा, क्योंकि ये जो हरे हरे पौधे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुकून देते हैं हमारे आँखों को।
तो इन पौधों को लगा के इस समर सीज़न अपने घर को आप भी खूबसूरत बनाइए और ठंडा रखिए अपने घर के एनवायरनमेंट को। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स दैन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।